कृष्णा, तो अभी हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। नेहा को नेहा के घर पे छोड़ के फिर हम आएंगे वृंदावन। और यहाँ पे भी गर्मी है, पर मुंबई से कंपैरेटिव में थोड़ा सा कम गर्मी है। फटाफट हो गया बुक, देख रही हूँ। देखो बना गंगा मैया की जय। और एकदम भरपूर आनंद लेंगे। अभी हम लोग पहुंच गए और बस में क्या हुआ पता है? एक आंटी को गलती से मेरे से धक्का लग गया, क्योंकि पीछे वाले ने मुझे धक्का दे दिया। उसके बाद आंटी मेरे पे चिल्लाने लगी, मैं वो सॉरी सॉरी बोला। उसके बाद तो हाँ, मतलब मैं सॉरी बोल रहा था, आंटी नहीं बोल रही थी। उसके बाद तो नेहा बोली चुप, अब आवाज़ निकलेगा तो आंटी सीधा आपको मैं ना बस के नीचे फेंक दूंगी। ज़्यादा बहसबाजी नहीं। नेहा का आज एक रूप देखने को मिला, सीधा भड़क गई थी भाई, ऐसा भड़की थी नेहा। नेहा क्या क्या बोली थी बताना, क्या क्या बोली थी पता? आंटी गाना बोल रही थी, आंटी जब कभी से नहीं बोलेगी तो मैं तो ऐसी कर दूंगी जैसे वो बोलती है। बोलती है आंटी, अब ज्यादा बोली तो सीधा बच के नीचे, आंटी ने हमें बोला पहले ज्यादा बोलोगी आंटी तो बच के नीचे फेंक दूंगी। मैं बोला भाई साहब ये तो नया दवाई खा के आई है। आपको कैसा लग रहा है इतने छोटे से घर से फिर इतने बड़े से घर में आके? कैसा लग रहा है मुझे पता है, तुम अभी नहीं बताओगे, जब तुम एसी में बैठोगे तब बताओगे। एसी का आनंद लेते हुए चलो। हरे कृष्णा, तो गुड न्यूज़ ये है, मैं जिस मंदिर से कनेक्टेड हूँ इस्कॉन मीरा रोड, वहाँ पे एक कीर्तन फेस्ट होने वाला है। अगर आप मुंबई से हो तो मैं स्क्रीन पे ना आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूँ, आप इसको जरूर अटेंड करना। ये जो पूरा प्रोग्राम है 11 जून को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक कीर्तन मेला होगा। मैं सच बताऊं, कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरिनाम कीर्तन अगर हम करेंगे तो हमारी लाइफ सक्सेस है। और ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मुंबई के हो प्लीज़ 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 मिस मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये ब्लॉग 10 तारीख को देखोगे, ठीक है, तो आपके पास पूरा एक दिन रहेगा। जाओ पूरा कीर्तन मेला अटेंड करो। कीर्तन मेला क्योंकि भक्तों के साथ में हो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इतना प्योर नहीं हूँ और मेरे में उतना अच्छा भगवान को प्रे करने की ताकत नहीं है, और शायद भगवान मैं प्रे करूँ तो मेरा सुने भी ना। बट इतने सारे प्योर डिवोटीज वहाँ पे आजू बाजू रहेंगे ना, तो भगवान इतने खुश रहेंगे, तो प्योर डिवोटीज को बहुत कुछ कृपा बांटते रहेंगे। और मेरे जैसा नालायक अगर वहाँ पे बैठा रहेगा तो भगवान इतने कृपालु होकर मैं इसको भी दे देते हैं। इसके लिए हमें ऐसे कीर्तन मेला अटेंड करना चाहिए, इससे क्या होगा ना, हमारा खुद का प्योरिफिकेशन होगा। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, जाओ कीर्तन मेला अटेंड करो। को कहते हैं जले पे नमक नींबू लगाना। मैं नेहा को अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स 512 GB पूरे दुनिया के सामने वचन लेता हूँ, अगर नेहा ने वो बॉर्डर क्रॉस कर दिया ये भुट्टा फेंक के, मैं दे दूंगा। जा 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 फेंको फेंको जा। अरे बच गया। अरे नहीं, आधा विदा दे। अरे नहीं, अभी तक वो वहाँ पड़ा है। कबड्डी में ऐसा होता है, इंसान हाथ लगा दे, पैर लगा दे। मेरा इसका मुद्दा क्या होता है? ये हमारे शुभम भैया जी आए हैं, हमें लेके जा रहे हैं कहीं तो घुमाने। हम कहाँ जा रहे हैं शुभम, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हमें कुछ तो नहीं जा रहे हैं। नहीं कहाँ जा रहे हैं? मैं थोड़ी जा रहे हैं, तुम दोनों जा रहे हैं। हम दोनों जा रहे हैं, टंकी में आ जाइए खास भी। अब हम लोग नहीं आ पाएगा, हम लोग कहीं तो जा रहे हैं, चलो दिखाते हैं आगे। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका कोई ना कोई एक दोस्त हो जो कि पहाड़ में हो और वो रात को ऐसे घूमने जाए। तो मैं भी बड़ा लकी हूँ कि मेरे पास शुभम जैसा एक दोस्त है पहाड़ में, और उनके साथ मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ एक चीज दिखाऊंगा, जो चीज मैं कब से बोल रहा था दिखाने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको भी मजा आएगा और मैं भी पहली बार देखूंगा तो मुझे भी मजा आएगा। और यहाँ पे ना इतना ठंडा मौसम हो गया है, इतना प्यारा लग रहा है। मुंबई में जितनी गर्मी थी यहाँ पे उतनी ठंडी है, मतलब उतना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए देखो, ये एक शिव जी का मंदिर है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, मैंने इसको किसी के रील पे देखा था। प्रकाशेश्वर महादेव, हर हर महादेव, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर की जय, जय हो। तो ये देख रहे हो, अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर है और ये कितना सुंदर लग रहा है यार, क्या बोलूं, मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है, पर देखने में और प्यारा लग रहा है। मसूरी जाके आपको दिखाता हूँ, मजा आ गया। खाली खाली रोड पहाड़ों के ऊपर, चलो भैया। तो हम लोग का एकदम से प्लान बन गया मसूरी जाने का, पहले हम सोचे नहीं थे, हम लोग सोचे थे यहीं से रिटर्न जाएंगे, पर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ही है मसूरी। तो हम लोग सोचे चलो रात को रोड पे, ऐसे रोड पे तो चलने में अलग ही मजा आ जाता है।
कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरे पहाड़ों पे सिर्फ घर ही घर दिख रहे हैं और घरों पे लाइट दिख रही है। अभी हमने कहीं पे रुके हैं, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड है, जितना ही मुंबई में गर्मी थी उतना ही यहाँ पे ना ठंड है, और इतना मजा आ गया अभी हाथ एकदम ना मेरे सुन्न पड़ गए। हम पहुंच गए मसूरी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। जो सोचते हैं पहाड़ों में घूमना है वो एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत लग जाता है, और एक बार ट्रैफिक लग गया तो आप ऐसे ही फंसे पड़ रहे रह जाओगे। तो यहाँ पे भी अपरम पार ट्रैफिक। तो लाइब्रेरी है ना, गाड़ी में चले मतलब हमें जाना ही कहाँ है, हमें बस ऐसे ही है। ये जो लाइब्रेरी देख रहे हो ना, मसूरी लाइब्रेरी, ये 1843 का बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाने का। और पहाड़ों की सबसे बड़ी सच्चाई है, यहाँ पे देखो इतनी ट्रैफिक है, यहाँ भी बंद है पूरा और यहाँ भी बंद है। बेचारे महात्मा गांधी जी वहाँ खड़े हैं आराम से। तो भैया यहाँ क्या दिखाएं, यहाँ कुछ दिखाने लायक क्या है? कुछ है नहीं, सिर्फ इंसान चल रहे हैं। और अभी हम हैं मसूरी मॉल रोड पे, क्या ही दिखाऊं मैं यहाँ पे इंसानों के पीछे। हम बस सिर्फ देखने आए कि इसमें है क्या, बाकी कुछ तो देखने जैसा है नहीं, सिर्फ इंसान की शक्ल दिख रहे हैं, ठंडी है बस। बहुत सुंदर, इससे अच्छा हमारे वृंदावन में हमारे कीर्तन मंडली गाते हैं, बहुत सुंदर। देखो ये देखो, अंधेरे में आई लव मसूरी। मसूरी वालों ने लाइट तो लगा दिया होता इसमें तो और मजा आता। कोई नहीं, यहाँ भी अच्छा लग रहा है। असली मजा तो मेरे को सच बताओ ये देखने में आ रहा है, ये पहाड़ों से नीचे ये जो दिख रहा है ना, ये देखो क्या आनंद लग रहा है इसको देख के। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही बड़ा शेर है। और मैं आपको एक चीज मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग शराब की दुकान पे लाइन है। आप ये देखो, ये तुर्की वाला है, आइसक्रीम के लिए ललचा देता है। ये देखो शराब की दुकान, सबसे ज्यादा लोग शराब पीने आएंगे, पहाड़ों में आएंगे शराब पियेंगे। तो अब हम निकल चुके हैं नीचे की तरफ, कुछ नहीं ऐसा खास देखने जैसा तो है नहीं यहाँ पे यार। अब आओ बस भाई, रोड देखो, रोड देख के निकल लो, ट्रैफिक का मजा लो बस। बर्फ में मजा है, जो मजा सफर का है वो मंजिल में नहीं ना, तो सफर का आनंद लो। इसके लिए रास्ते में जो आपको देखने को मिल रहा है उसी में आनंद लो, बाकी कुछ है नहीं। पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है, थैंक यू। तो यार ये पहाड़ देख के ना, ऊपर से जो इतनी छोटी छोटी लाइटियां दिख रही हैं वो इतने बड़े बड़े लगते हैं नीचे से। मेरे पास इसका एक एनालॉजी समझ में आ रहा है, एक चीज समझ में आ रहा है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको सुनाता हूँ। अब देखो जैसे छोटी छोटी लाइट है, हम जब नीचे रहेंगे तो हमें बहुत बड़ी बड़ी नजर आएगी, वैसे हमारा समस्या भी है। समस्या को हम जितना करीब से देखेंगे ना उतना बड़ा नजर आएगा, पर जैसे जैसे हम अपना स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाते जाएंगे वही समस्या हमें बहुत छोटा नजर आएगा, समझ रहे। तो हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज जितना होगा, जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जितना ऊपर आ जाएंगे, हमें ये बड़े बड़े घर, ये बड़े बड़े जो बिल्डिंगें होंगी बहुत बड़ी बड़ी होंगी, यहाँ से बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पहाड़ पे हैं। वैसे अगर हमारे जीवन में बहुत समस्या रहेगा और अगर मैं यही सारी चीजें पास से समस्या को बहुत जितने भी करीब से देखूंगा समस्या उतनी बड़ी आएगी, पर जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाएगा, सब चीजें आ जाएगी, मैं ऊपर उठ जाऊंगा, वही समस्या मुझे बहुत छोटी नजर आएगी ना। तो हम ये सारी चीजें इस पहाड़ों पे आके ये भी सीख सकते हैं। रात के टाइम पे पहाड़ पे घूमने का अलग ही मजा है हमारे भैया जी। और यहाँ पे मस्त ठंड है, मुझे लगता है हमेशा ही ठंड होती रहेगी यहाँ पे। ठंडा है ना अभी, थोड़ा दिन तो ठंडा रहेगा। नेक्स्ट